रूपेश सिंह इंडिगो बिहार स्टेशन हेड के जो अभी हत्या हुई है, ये एक बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है। जिस व्यक्ति की कोई आपराधिक पृष्ठभूमि न हो और उसको 10 से 15 गोली मारा जाए, ये एक बहुत ही बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है बिहार के नवगठित एनडीए सरकार। पटना पुलिस और बिहार पुलिस के साथ इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेवारी बहुत गंभीर है उन पर, और 3 से 5 दिन के अंदर में पुलिस को एक निष्कर्ष पर आना ही पड़ेगा अविलंब, ताकि अगर केस सीबीआई को भी अगर सुपुर्द करना पड़े तो इमीडिएटली करना पड़ेगा उनको, ताकि ऐसा नहीं कि केस इतना घिसा पिटा हो जाए कि निष्कर्ष पर कोई संस्था पहुंच नहीं सके। इस बात का भी एक तहकीकात करना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर की जो बात आजकल चल रही है वो क्या प्रायोजित है, और नहीं है तो इस हत्या के पीछे कौन ऐसे लोग हैं जो एक व्यक्ति के मतलब कि हत्या जो कि एक निजी कंपनी का व्यावसायिक हेड था। ये जरूर है कि रुपेश जी अपने इलाके में सामाजिक रूपेण बहुत काम करते थे और लोकप्रिय थे, लेकिन हत्या क्यों, प्रश्न यह है हत्या क्यों। तो पटना पुलिस के लिए ये सबसे चुनौती का ये केस आया है, और उनको 3 से 5 दिन में अपना निर्धारण करना पड़ेगा अपनी सक्षमता को, कि वो सक्षम है इसको अंतिम मुकाम तक ले जाने के लिए, या इमीडिएटली उनको बिहार सरकार को इसको सुपुर्द कर देना चाहिए सीबीआई। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का लॉजिकल कंक्लूजन समय पर होना चाहिए और उसको लीड्स भी मिलना चाहिए समय पर, नहीं तो वही सुशांत सिंह टाइप का केस हो जाएगा कि 1.5 से 2 महीना के बाद सुपुर्द हो रहा है। तो ये बहुत गंभीर है, बहुत चिंता का विषय और दुखद घटना है, इसमें कोई संशय नहीं।